हैप्पी मदर्स डे। वैसे मम्मी का कोई दिन नहीं होता है, मम्मी से ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि मुझे उठाने के लिए रोज सुबह पंखा वही बंद करती है। कोरोना मोहब्बत की तरह है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर मैं टीचर होती तो बोलती, जो जिसका क्रश है उसके पास जाकर बैठ जाओ। इतना बदल लूंगी ना खुद को कि वो तरसेंगे मुझे देखने के लिए, कि आखिर हमसे उधार पैसे लेके चली कहाँ गई। प्यार और मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, जो भी रखा है फ्रिज में रखा है। अच्छा सुन। हाँ भाई। वैसे अगर तुझे कोई लड़का पसंद है ना तो मुझे बता देना। अच्छा सच्ची? हाँ, उसकी भी टांगे तोड़ेंगे और तेरी भी। कल नशे में एटीएम से पैसे निकाले और रिसिप्ट जेब में रख ली और पैसे फाड़ के फेंक दिए। क्यों, तेरी तबीयत खराब है क्या? हाँ। डॉक्टर को दिखाया? दिखा दिया। क्या बोला डॉक्टर ने? शरीर में पानी पूरी और दही पूरी की कमी बताई है। क्या? मेरे से एडवाइस मत लिया करो, मैंने बचपन में असली पैसे देकर नकली पैसे खरीदे हैं। क्यों, तू लॉकडाउन में क्या करती दिन भर? मैं मोबाइल चलाती हूँ। अच्छा, और मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती तब क्या करती है? मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर चलाती हूँ। बचपन भी कमाल का था, रात को चादर ओढ़कर सोचते थे कि अब भूत कुछ नहीं कर पाएगा। आज किसी ने भी मुझे बर्थडे विश नहीं करा, बट ठीक है यार, आज मेरा बर्थडे नहीं है, जब होगा तब विश करना। आज ना मेरी मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई। अच्छा, अरे ये क्या कर रही है, फोन पे गुंडे बुलाएगी क्या? नहीं, उसको अनफॉलो करना पड़ेगा ना। पहले मैं दुखी होती थी, फिर मेरे दोस्त ने मुझे इंग्लिश सिखाई, अब मैं सैड होती हूँ। मेरी शादी मेरे क्रश के साथ फिक्स हो गई थी और मैं तुम सबको कार्ड देने आने ही वाली थी कि मम्मी ने सुबह उठा दिया। किस्मत का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता मेरा होने वाला हस्बैंड मेरी पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रहा हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या दिन भर फोन में घुसी रहती है, चली धरा बर्तन मांज, काम चोर कहीं की। पहले जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, लेकिन अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, किडनी, दिल सब बाहर आ जाता है। यार मुझे तुझे एक बात बतानी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मुंह से बताओ। अगर आपको कोई मैसेज नहीं करता है तो टेंशन मत लिया करो, मुझे भी कोई नहीं करता है। लोग क्या धोखा देंगे मुझे, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने ही धोखा दिया है, उन्होंने सालों पहले शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं।